हाउ टू डायग्नोस लूपस, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट फॉर ऑटो एंटीबॉडीज, अदर ब्लड टेस्ट, इंफ्लामेशन, चेंज इन द ब्लड सेल्स, यूरिन टेस्ट, बायोप्सीज, एमएजी टेस्ट इंक्लूडिंग एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई एंड सीटी स्कैन। ठीक है जी, इसका एक टेस्ट होता है एंटीबॉडी का और एक एएनए टेस्ट होता है और वो है जी। आगे चले जी, इसमें सीआरपी भी करवा सकते हैं आप, काफ़ी सारी डिटेल। एएनए बहुत कॉमनली करवाया जाता है और जो इसको एंटी, एक और भी टेस्ट आ गया एंटी डीएनए भी टेस्ट आ गया इसका, तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो ये वो टेस्ट हैं जो नॉर्मली आप इसको करा सकते हैं। आगे चलें जी, आगे चलें, आगे चलें, होम्योपैथिक पे ले आए। अब आप एक डिटेल इंटरनेशनल स्टडी भी हमने आपके सामने रखी, बीच में मैंने कॉजेज फैक्टर को डिस्कस किया, साथ साथ में मेडिसिन भी डिस्कस करता रहा। तो अब आपको कॉज में भी इंक्लूड कैंसर, कैंसर की हिस्ट्री या कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस मस्ट हिस्ट्री लेनी है आपने, इन्फेक्शन के बारे में आपने लाजमी इन्वेस्टिगेट करना है कि वो वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, पैरासाइट, ठीक हो गया जी। आरएस वायरस है, साइकोसिस, साइकोसिस जो है किसी भी जिस्म के अंदर होगा, और यू नो कि आपको पता है कि व्हाट इज द साइकोसिस, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उसको साइकोसिस का पता है कि व्हाट इज द साइकोसिस। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन है साइकोसिस, सिफिलिस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन है। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है, जो आपका गोनोकाई है उसकी कॉम्प्लिकेशन है बैक्टीरिया की, किडनी डिजीज, कार्डियक डिजीज, पुलमोनरी इम्बोलिज्म, स्ट्रोक, ग्रीफ, इंजरी, एलर्जीज, अल्ट्रावायलेट रेस। आगे जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेक्लोडर्मा, पॉलीमायोसिस, डर्मेटोमायोसिस, सोग्रेन सिंड्रोम। अच्छा, एक और बड़ा फैक्टर है जी जो के हार्मोनल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर बहुत आम है। हार्मोनल फैक्टर इसलिए आम है कि हमारे यहाँ लोग जो जो हमारे हार्मोन्स का निज़ाम है, ये बॉडी पे इसके बड़े असरात हैं और इसकी बॉडी की सारी एफिकेसी की बड़ी डिपेंडेंसी है इस पे, हार्मोन्स पे। और हार्मोन्स अगर डीरेंज हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, आपके एस्ट्रोजन, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका प्रोजेस्ट्रॉन, तो बहुत सारे और भी हार्मोन्स हैं। तो ये हार्मोनल फैक्टर को भी बड़ा आम रोल है, इसलिए मैंने इसको हार्मोनल फैक्टर्स को भी यहाँ हमने डाला है। आगे जी, इन्वायरमेंटल फैक्टर का हमने बड़ा जिक्र किया, जैसे मैंने एक फैक्टर एनवायरमेंटल का, दो अगर फर्ज के ध्यान में रखें कि आपकी अल्ट्रावायलेट रेस, दिस इज एनवायरमेंटल, कि आपकी ओजोन की लेयर वीक हो रही है और अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो तेज आ रही है, तो उससे जो है ना एसएलई पैदा हो सकती है और होती भी है। एक मैंने आपको कहा कि आपका जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की बर्न से, पेट्रोलियम के इस्तेमाल से स्पेशली मुझे सबसे ज्यादा सांस की बीमारियां और मुझे स्किन की बीमारियां मिली हैं, जैसे सोराइसिस वगैरह, एक्जिमा वगैरह। तो पेट्रोलियम को भी आप इस बड़ा इसका एनवायरमेंटल रोल है इसका। एनवायरमेंटल में देखें, आपकी एसएलई के अंदर, एसएलई की अगर आप पढ़ें जाके वो मेडिसिन की लिस्ट जाके देखें, अगर रेपर्टरी के अंदर, तो एक दवाई लिखी है एस्पिस्टोस, एस्पिस्टोस जो है
वो ये जो उसकी बनती है शीट्स एस्बेस्टोस, और वो शीट्स जो है जिस कारखाने में वो लोग काम करते हैं और जहां वो इस्तेमाल होती है उनको भी SLE हो सकती है। बहुत सारे केमिकल एनवायरनमेंट में जो लोग काम करते हैं, जैसे उसमें काम करते हैं सीमेंट के फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। दिस इज द एनवायरमेंटल। आप किसी ऑफिस ऐसे में काम करते हैं जो स्ट्रेस आपके पे हर वक्त का स्ट्रेस है, दिस इज भी एनवायरमेंटल, मोस्ट एनवायरमेंटल। पेंटर जो है, मैं एक अम्प्लम मेड को पढ़ रहे थे कि जो प्रोसेस होता है लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलती है और ऑक्सीजन आती है, वो एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो होता है अल्वेओलाई के अंदर जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जो है अगर लिड उसको रोक देता है, प्लम्बर मैट उसको रोक देता है, लिहाजा जो पेंट का काम करने वाले लोग हैं उनको ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, लंग्स की ऑटोइम्यून डिजीज। तो बड़ा हमने तो एक आपको रास्ता दिखाना है, हमने आपको एक रास्ता दिखाना है, हमने आपको ये समझाना है। हम और ये होम्योपैथिक साइंस के अंदर ये मौजूद है कि जितने फैक्टर्स मैं डिस्कस करूं इनका सारे सारों का तोड़ होम्योपैथिक है, किसी और साइंस के पास नहीं। आगे चलें, अब कीमोथेरेपी ये भी ड्रग्स के अंदर, ये मेथोट्रेक्सेट है, अमोनियम ड्रोन्स है, ये सारी जो है ड्रग्स हैं। ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट का मैं आगे जिक्र कर चुका हूँ, डस्ट है, गैस है, फ्यूम्स है, रेडिएशन है, ये सारी एनवायरनमेंटल फैक्टर। आगे चलें जी, ये पहले भी हम डिस्कस, आर्डियोपैथिक पुलमरी फाइब्रोसिस है, एक्यूट इंटिशियस निमोनिया है, ये सारी चीजें हम पहले भी क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया है, ये सारे लंग्स के प्रॉब्लम है, तो ये SLE से रिलेटेड है। आगे चलें जी, हार्ट डिजीज है, रेनल डिजीज है, पैरासाइट्स हैं, टॉक्सोप्लाज्मा, प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया, ये सारे आपके पैरासाइट्स ग्रुप से तल्लक रखते हैं। आगे चलें जी, इसका मैं बड़ा डिटेल जिक्र कर चुका हूँ।